ऐसा लग रहा है जैसे राम जी के वनवास की तारक मंत्रा जिसके कारण राम जी को वनवास करना पड़ा, 14 वर्ष का संघर्ष करना पड़ा। वो जब रावण पर विजय पाके अयोध्या में आए और राम राज्य होने की तैयारी हुई तो इन बयानों को सुनकर ऐसे लगता है तो उस काल में भी कहीं मंथरा खड़ी होकर मैनेजमेंट की बात कर रही होगी, वो सुझाव दे रही होगी, कुछ कहते में शर्म भी आनी चाहिए। और इसलिए ये पाप जो कर रहे हैं वो नेता हो या नेताओं के मुखौटे बनकर कोई साधु वेशधारी हो, ये पापों को और इस अपराध को देश का करोड़ों हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं कर सकते।